क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? पंकज कुमार। तुम्हारा? देशराज कुमार। तुम्हारा? तुम्हारा सुशील कुमार। तुम्हारा? क्या करते हैं तुम्हारे पापा? ड्राइविंग करते हैं। ड्राइविंग करते हैं। तुम्हारे पापा? तमिलनाडु में बोरा धोते हैं। बोरा धोते हैं अभी? जी अभी। और तुम्हारे पापा? घर पे काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले। और तुम्हारे पापा? नहीं है। नहीं है। ये सब गांव का बच्चा है सब। चलिए, ये सबकी कहानी अब हम बताते हैं कि गांव का बच्चा काहे काबिल होता है और काहे आगे बढ़ता है। कितना परसेंट मार्क्स आता है बाबू तुम्हारा? फर्स्ट कभी फर्स्ट आ जाता है, 80 प्लस सब में मार्क्स आता है हमेशा। जी, एनी टाइम। जी। और पापा ड्राइवर हैं। जी। और तुम्हारा बाबू? हमारा कभी 80% और 90% इस तरह आ जाता है। इस तरह आ जाता है हमेशा। और पापा जो है तमिलनाडु में बोरा ढोते हैं। तुम्हारा बाबू? पापा जी घर पे काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। नहीं, कितना नंबर आ जाता है? एक मैथ छोड़कर सब में 80 प्लस 90 प्लस। सब में 90 प्लस? मैथ छोड़ के? मैथ में थोड़ा कम, थोड़ा कमजोर है। और तुम्हारा बाबू? मैं सब में 85 प्लस। सब में 85? सब में 85 प्लस है। जी। और किस स्कूल में पढ़ते हो तुम लोग? बीएन इंटरनेशनल। मतलब जो अपने गांव का वाला स्कूल है। अब देखिए, ये सब बच्चे हैं और सब काबिल बच्चे हैं, सब 80% 90% से ऊपर वाले बच्चे हैं और सब गरीब के बच्चे हैं। इन लोगों को सही प्लेटफॉर्म मिल जाए ना तो कल के आईएएस आईपीएस यही बनेंगे। लेकिन आज के समय में टैलेंटेड गरीब के बच्चों को दबाया जा रहा है। और जैसे इसके पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, बोरा ढो रहे हैं, इस रास्ते पे ढकेल दिया जाएगा इसको मजबूरी में कि ये भी जो है बाद में जो है किताब कॉपी छोड़ के जो है मजदूर बन जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक मौका दिया जाए सभी को, सारे बच्चों को, ताकि जो है देखिए दही चीनी बाबा जी लेके आ गए हैं। सारे बच्चों को एक मौका दिया जाए ताकि जो है ये लोग अच्छा करें। लाइब्रेरी वाइब्रेरी गांव में नहीं है? नहीं, नहीं है ना। नहीं, लेकिन बुक में बहुत कुछ सीखने को मिला है। बुक में बहुत कुछ सीखने को मिला है। बुक में? जी। स्कूल वाला बुक में? जी, स्कूल वाला। प्रोजेक्ट भी बनाते हैं लोग, प्रोजेक्ट भी बनाते हैं। अगर बिहार का सारा सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल के जैसा अगर अच्छा हो जाए तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आज जो प्राइवेट स्कूल है, जो छोटे मोटे गांव में प्राइवेट स्कूल चलते हैं, वही तो सच में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जो शहर के बड़े बड़े वीआईपी प्राइवेट स्कूल है वो तो बिजनेस कर रहे हैं, वो तो खाली पैसा लेते हैं। जो गाँव के छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल है, जो 100 रुपया 50 रुपया 150 रुपया फीस लेके 300 रुपया फीस लेके जो है बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, वो बिहार के एक्चुअल में शिक्षा व्यवस्था के रीढ़ के हड्डी है। बढ़िया से पढ़ो और गांव का नाम रोशन करो। इस बच्चे को देखिए आप ध्यान से, ये देखिए। और ये सरमाया भी नहीं, ये बोला कि मेरे पिताजी जो है वो बोरा ढोते हैं। देख लीजिए, देखिए। और इसी के जाति के अगर कोई नेता होगा ना तो उसका बच्चा जो है वीआईपी स्कूल में बाहर पढ़ रहा होगा। तो बिहार के जितने नेता हैं, जितने चाहे वो वार्ड कमिश्नर हो, चाहे मुखिया हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अगर उनके बच्चे अगर बिहार में नहीं पढ़ रहे हैं और उनका इलाज अगर बिहार में नहीं हो रहा है उनके बच्चों का, उनके परिवार वालों का, समझिए शिक्षा और स्वास्थ्य कभी भी ठीक नहीं होगा। साउथ में जाके देखिए, साउथ के कलाकारों के बच्चे जो है साउथ में ही पढ़ते हैं, वहाँ के नेताओं के बच्चे जो है साउथ में ही पढ़ते हैं, इसलिए जो है उन लोगों का विकास हुआ। और हमारे यहाँ बिहार के बच्चे जो है, बिहार के नेताओं के बच्चों को जो है भेज दिया जाता है कहीं दूर पढ़ने के लिए। जाओ बेंगलुरु में पढ़ो, पुणे में पढ़ो, हैदराबाद में पढ़ो, सही है कि नहीं? जी सर। तो चलिए कुछ प्रयास किया जाए। और तुम्हारा कितना परसेंट मार्क्स आता है? हमारा 60% से टप जाता है। 60%? तुम्हारा? हमारा 65। 65? तुम्हारा? 70। चलो ठीक है, जाओ और पढ़ाई करो बढ़िया से। अब पढ़ाई करोगे ना तो जैसे हम घूमते हैं ना 10 आदमी को लेके, वैसे तुम लोग भी 10 आदमी पीछे पीछे घुमा सकते हो। पढ़ाई करोगे अच्छे से तब ठीक है ना? ठीक है ना? ये चीज है जैसे हमको लोग मानता है ना, आप भी मानते हो तब ना पढ़ा किया हुआ तब तुम लोगों को चाहते हो ना कि तुम लोगों के साथ भी लोग खड़ा होकर फोटो खिंचवाए। आप भी तो मेहनत किए होंगे तभी आपके पीछे। हाँ, तो तुम भी मेहनत करो, आईएएस आईपीएस बन जाओ और गांव का नाम रोशन करो। एक आईएएस आईपीएस अपने गांव से बन जाएगा तो नाम रोशन हो जाएगा। जी। तो कौन बनेगा सर? गरीब का बच्चा, हम सब। बनोगे? हाथ उठाओ, कौन कौन बनेगा? लोगे ना नौकरी, बड़ा नौकरी लोगे ना? चलो ठीक है, जाओ। जय हिंद। थैंक यू सर।